मत बनो। अल्लाह की नसीह कुरान और सही हदीस, हम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बटना चाहिए, आपस में तफर्क नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुसलमान आपस में झगड़ा करते छोटी छोटी बात पे। हमें तहकीक करना चाहिए, हमारे तहकीक पे अटल रहना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम आपस में झगड़ा करें। और जितने झगड़े हैं वो अफजलियत के ऊपर, हराम हराम में नहीं है। तो मैं कहता हूं, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। तो ये अगर ही और भी का समझ आप फर्क मान पड़े तो अक्सर झगड़े मिल जाएंगे, सारी झगड़े में अक्सर झगड़े। और अगर हर मुसलमान दावत देगा अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के रसूल की सही हदीस की तरफ तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर मुसलमान अपनी शख्सियत की तरफ दावत देते, इदारे की तरफ दावत देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। और जो आयत की मैं तिलावत की, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इला अल्लाह व अमल सालिहा व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। हर मुसलमान अगर इसके ऊपर डटके रहे मैं मुस्लिम हूं तो जितने ये अक्सर फिरके हैं ये मिट जाएंगे। अगर कोई मदीना से फारिग है, अपने आपको मदनी कहता, मुझे कोई इतराज नहीं, कोई नदवा से फारिग है नदवी कहता है, देवबंद से फारिग है देवबंदी कहता है, ये निस्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां मजहब का सवाल है, जहां दीन का सवाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते कौल इन्नी मिनल मुस्लिम, कहो क्या मुस्लिम है। अगर ये सारे मुसलमान समझ जाएंगे और मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फिर से दुनिया की चोटी खोलेंगे। आज की तारीख में मुसलमान को फुटबॉल की तरह लात मारा जाता है, सब जगह मुसलमान को नीचा देखा जाता है, मुसलमान के साथ सुलूक किया जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जो मुसलमान पे टूट पड़ेंगे तो साहबा पूछते क्या मुसलमान अकलियत में रहेंगे कम रहेंगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, वो तादाद में बहुत ज्यादा रहेंगे लेकिन छाप की तरह, लाइक फ्रॉक। आज मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज्यादा है, दुनिया में कभी भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं, फिर भी लोग हमें नीचा देखते, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि हम कुरान हदीस के करीब थे। आज हम कुरान हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान हदीस फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। इसके साथ मैं छोटी सी तकरीर का वो खत्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।